आज आपको हिंदी विषय का कक्षा 5 का पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है अलादीन का जादुई चिराग। इसका भाग अ हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था, इसमें हम भाग ब पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ वापस याद करवा देती हूँ कि हमने भाग अ में क्या देखा था। ठीक है, तो अलादीन नाम का एक लड़का था जो कि कुछ काम नहीं करता था, वो अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन एक आदमी उनके घर आया और कहा कि मैं अलादीन का चाचा हूँ और अब मैं इसे अपने साथ रखूंगा। और ये कहकर अलादीन की माँ को ये बात कहकर वो जो चाचा बनकर आया था वो अलादीन को अपने साथ लेकर एक गुफा के वहां गया। उसने अलादीन से कहा कि तुम अंदर जाकर जो दीपक रखा है गुफा के अंदर वो लेकर आ जाओ, और वहां पर खजाना भी है, तुम जो चाहो सोना चांदी हीरे जेवरात जो तुम्हें पसंद आए वो तुम लेकर रख सकते हो। जबकि असलियत में वो अलादीन का चाचा नहीं था, वो एक जादूगर था। ठीक है, अलादीन ने सारा कुछ लेने के बाद में जब उसे जादूगर से कहा कि मुझे बाहर निकालो, तो वो जिद करने लगा कि पहले मुझे वो दीपक दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। उसने अलादीन ने जब चिराग नहीं दिया, वो दीपक नहीं दिया, तो वो जो जादूगर था वो उसको गुफा का मुंह बंद करके वहां से चला गया। अब अलादीन को अंदर अंधेरे में डर लगने लगा, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना इसको चिराग को जला लूं ताकि कुछ रोशनी हो जाए। जब उसने उसे जलाने की कोशिश की तब क्या हुआ, उसकी अंगूठी रगड़ खा गई और उससे एक जिन्न निकला। जिन्न ने कहा कि मैं इसका सेवक हूँ, आप बताइए क्या करना है। और तब अलादीन ने कहा कि मुझे अपनी माँ के पास पहुंचा दो। ठीक है, फिर जिन्न ने उसे अपनी माँ के पास पहुंचा दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं, अलादीन समझ गया कि इस दीपक में अवश्य कोई विशेषता है, तभी वह जादूगर बार बार उससे यह दीपक मांग रहा था। उसने सोचा कि चलो इसे साफ करके रख लेते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से जिन्न निकला और बोला, हुकुम मेरे मालिक। जिन्न देखकर अलादीन की माँ तो बेहोश हो गई, लेकिन वह सब समझ गया। वह बोला, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व वस्त्राभूषण लाओ। जिन्न ने कहा, जो आज्ञा मालिक। कहकर जिन्न अंतर्ध्यान हो गया और कमरा नाना प्रकार के व्यंजनों की महक तथा सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से भर गया। ठीक है, अब अलादीन समझ गया कि दीपक में कुछ न कुछ खासियत है, तभी वो जादूगर इतना जोर दे रहा था कि मैं उसे ये दीपक दूं। चलो ठीक है, अभी उसे पता तो नहीं है कि इस चिराग की, उस दीपक की क्या खासियत है, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है मैं इसे साफ करके रख लेता हूँ। जब उसको साफ करने लगा तो उसके ऊपर रगड़ लगी और उसमें से जिन्न निकला और उसने कहा, हुक्म मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आज्ञा है मुझे बताओ। अभी वो अपनी माँ के साथ था, खड़ा था। जब उसकी माँ ने जिन्न देखा, अलादीन की माँ ने, तो वो तो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन अलादीन समझदार था, वो समझ गया कि ये दीपक खास है। उसने देखा कि जब जिन्न निकल कर आया है, तो उसने उसे उसे बोला, ऑर्डर दिया कि मेरे लिए क्या लेकर आओ, अच्छे अच्छे पकवान मतलब अच्छे अच्छे खाने और वस्त्र और आभूषण और ये सब लेकर आओ। जो आज्ञा मालिक मतलब जैसी आपकी इच्छा, जो आपकी आज्ञा है वो पूरी करूंगा। ये कहकर फटाफट से जिन्न ने पलक झपकते काम कर दिया और पूरे कमरे में बहुत सारे व्यंजन आ गए, बहुत सारा खाना आ गया, उनकी खुशबू सब तरफ फैलने लगी और बहुत सारे वस्त्र और आभूषण आ गए। ठीक है, अलादीन ने माँ को उठाकर सारी बातें समझाई। फिर माँ बेटे ने पेट भरकर खाना भोजन किया। अब तो अलादीन की काया पलट गई थी, गरीबी के दिन समाप्त हो गए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हो चुका था। ठीक है, जब अलादीन ने फिर अपनी माँ को उठाया, होश में लेकर आया और सारी बातें बताई, तब अब उन दोनों के दिन बहुत बदल चुके थे। अब वो रुपये पैसे वाले बन गए थे, उनकी गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। अब उन्होंने क्या किया, जिन्न से कह कर उन्होंने अपना सारा कुछ बदल कर रख दिया। अभी तक वो झोपड़ी में रहते थे, अब उनका एक आलीशान बड़ा सा महल बन गया। जब जादूगर ने अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा, तो वह समझ गया कि यह सब अलादीन को दीपक के जिन्न से मिला है। जादूगर को अलादीन पर बहुत गुस्सा आया। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह वह जादुई दीपक अलादीन से वापस लेकर रहेगा। ठीक है, अब जब जादूगर को पता पड़ा कि अलादीन के वहां तो झोपड़ी के बजाय वहां इतना बड़ा महल खड़ा है, तो उसे तो पता पड़ गया कि ये सब किसने किया होगा, जिन्ने ने किया होगा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं कैसे भी करके वो जादुई दीपक वापस लेकर रहूंगा। एक दिन अलादीन की नजर वहां की शहजादी बदर पर पड़ी। वह शहजादी बदर से विवाह के सपने देखने लगा। अपनी माँ को उसने बहुमूल्य मोती हीरे जवाहरात उपहार में लेकर शहजादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन की माँ बहुत से उपहार लेकर बादशाह के पास गई और अपने बेटे के लिए शहजादी बदर को मांगा। बादशाह उपहार देखकर बहुत प्रभावित हुआ, उसने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, अलादीन के दिन तो फिर गए थे, अभी तक वो गरीब था, लेकिन अब वो अमीर हो गया था, बड़े से महल में रहता था, रुपये पैसे वाला बन गया था। ठीक है, तो एक बार उसने किसको देखा, शहजादी को देखा। शहजादी मतलब राजा की बेटी को। उस बेटी का क्या नाम था, बदर था। तो उसने सोचा
सोचा है कि क्यों ना मैं शहजादी से शादी कर लूं, ठीक है। ये सोचकर उसने अपनी माँ को कुछ उपहार देकर, बहुमूल्य कीमती हीरे जवाहरात देकर क्या भेजा, शहजादी के पिता के पास भेजा। तो अलादीन की माँ जब इतने सारे उपहार लेकर गई तो बादशाह बहुत खुश हो गया, और उसने अलादीन की माँ ने जब बात की कि मैं अपने बेटे अलादीन की शादी आपकी बेटी से शहजादी से करना चाहती हूँ, तो बादशाह ने हाँ कर दी। और किससे कर दी, उसने शहजादी की शादी अलादीन से कर दी। जब एक दिन अलादीन महल में नहीं था, तब जादूगर उसके महल के नीचे आवाज लगाता हुआ आया, पुराने दीपकों के बदले नया दीपक ले लो। शहजादी बदर को जादुई दीपक के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने उस पुराने दीपक के बदले नया चमचमाता दीपक ले लिया, ठीक है। एक दिन जब अलादीन घर से बाहर गया हुआ था, तब वो जादूगर आया, क्योंकि जादूगर तो चालाक था, उसे पता था कि मुझे कैसे भी करके दीपक लेना है। तो वो वहां पर जाकर क्या बोलने लगा, क्या आवाज लगाने लगा कि पुराने दीपक दे दो और नए ले लो, ठीक है। अब शहजादी को तो पता ही नहीं था कि वो जादुई दीपक है, तो उसने क्या किया, वो वाला पुराना समझ के दे दिया और नया ले लिया, ठीक है। जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसने दीपक के जिन्न को आज्ञा दी कि शहजादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। अलादीन जब वापस आया और उसे अपना महल नहीं मिला, तो वह सारी बात समझ गया। उसने अंगूठी के जिन्न को याद किया और उसकी मदद से अपने महल में शहजादी के पास पहुंच गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जादूगर तो दीपक लेकर बहुत खुश हुआ, वहां से चला गया, और पता है उसने क्या किया, उस जिन्न जो उसे जिन्न निकला उस दीपक से, पुराने दीपक से, उसने उसको आज्ञा दी कि इस महल को और शहजादी को लेकर कहाँ चले जाओ, उसको अफ्रीका लेकर चले जाओ, इतनी दूर लेकर चले जाओ, ठीक है। अब वो लेकर चला गया, जिन्न तो जो उसका मालिक होता है उसकी आज्ञा मानता है, उसकी बात मानता है। अलादीन जब वापस आया और उसे अपना महल नहीं दिखा, तो उसने क्या किया, उसे पता पड़ गया कि जरूर जादूगर की कुछ ना कुछ इसमें कलाकारी रही होगी, पर अंगूठी तो उसी के पास थी, अलादीन के पास में। तो उसने उस अंगूठी को रगड़ा और उससे जो जिन्न निकला उसकी मदद से वो कहाँ पे पहुंच गया, अफ्रीका, अपने महल में, अपनी शहजादी के पास में पहुंच गया। उस समय जादूगर महल से बाहर गया हुआ था, अलादीन ने शहजादी को सारी बात समझाई, उन्होंने जादूगर से छुटकारा पाने की योजना बनाई। अलादीन ने शहजादी को विश की एक पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा, ठीक है। अब जब ये अलादीन वहां पर पहुंचा जिन्ने के साथ में, अफ्रीका पहुंचा अपने महल में, तब उसने जाकर शहजादी को पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि हमें जादूगर से कैसे छुटकारा पाए, ये हमें ऐसे आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। तो अलादीन ने क्या किया, विष मतलब जहर होता है, जहर की एक पुड़िया किसको दे दी, शहजादी को दे दी, और कहा जादूगर को जो भोजन दोगी ना, रात्रि का भोजन, उसमें ये मिला देना, ठीक है। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया। रात्रि में शहजादी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, जादूगर ने बड़े चाव से वह भोजन खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे गहरी नींद आ गई, वह इंदिरा देवी की गोदी में समा गया और फिर कभी न उठा, ठीक है। अब अलादीन ये बात कहकर उसको पुड़िया देकर कहां पर चला गया, शहजादी को पुड़िया देकर छत पर जाकर छुप गया, ताकि जादूगर को पता ही नहीं पड़े कि अलादीन वहां पर आ चुका है, ठीक है। फिर रात का जो खाना बनाया शहजादी ने, तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, ताकि जादूगर अच्छे से बहुत सारा खाए, और उसमें क्या मिला दिया था, विष मिला दिया था, जहर मिला दिया था, और वो खा के फिर वो सो गया, और सो गया मतलब वो बहुत गहरी नींद में सो गया, मतलब वो मर गया वहीं, ठीक है, और फिर कभी नहीं उठा, मतलब वो मर गया। अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और अपनी माँ व पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा, ठीक है। फिर अब वापस वो जो दीपक था जो जादूगर के पास आ गया था, वापस वो किसको मिल गया, अलादीन को मिल गया। फिर वो उसने वापस जिन्न को आदेश दिया और वो वापस अपने शहर, अपने देश में आ गया, और वहां पर अपनी माँ और पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगा। तो ये था अलादीन का जादुई चिराग, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया और आप सबने इसको एंजॉय किया है। धन्यवाद।